हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल दी एग्जाम हेल्पर में। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपका जो EMRS का एग्जाम होने वाला है उसके लिए JSE अकाउंटेंट ऑस्ट्रो वाटर लैब अटेंडेंट के लिए कंप्यूटर का पेपर फर्स्ट हम करने वाले हैं। दोस्तों, ये आपका पेपर था, फर्स्ट मार्च फर्स्ट शिफ्ट को हुआ था। EMRS के प्रीवियस ईयर पेपर है, जो कि आपका KVS का पेपर हुआ था 2023 में, लेटेस्ट हुआ है 2023 में। जो क्योंकि जो ये आपका पेपर लिया गया था दोस्तों, जो आपका ये KVS का पेपर लिया गया था, ये आपका CBSE की तरफ से लिया गया था। किसकी तरफ से? CBSE की तरफ से ये पेपर लिया गया था। और जो आपका EMRS पेपर ले रही है वो भी कौन ले रही है? वो भी CBSE ले रही है। तो इसके लिए जो आपका पेपर आएगा इस बार, आपको जो पेपर देखने को मिलेगा वो बिल्कुल KVS के पेपर की तरह ही आपको देखने को मिलने वाला है। तो हम कंप्यूटर का पेपर फर्स्ट करने वाले हैं, जो कि आपका प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछा गया था। और ऐसे ही प्रश्न 90% चांस है कि ऐसे ही प्रश्न आपके पेपर में देखने को मिलेंगे 100%। ठीक है, तो चलिए तो यहाँ से हम देख लेते हैं। इसके अलावा और भी कुछ डिटेल्स जो बता देता हूँ आपको, देखिए यहाँ पर आपको देखिए मैं बता देता हूँ। देखिए, आपके लिए EMRS एग्जाम की कंप्यूटर क्लास 5 आ चुकी है, नहीं देखी जाके देख लिए। डेली हम क्लास करते हैं। ये जो आपको क्लास मिलती है हमारी, ये हमारे द एग्जाम पर GK चैनल पर मिलती है। तो उसको अगर सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लेना, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। ये वीडियो भी आ चुका है, GK GS ऑल प्रीवियस ईयर के ऑल 3 शिफ्ट के पेपर अब मैंने करा दिए। GK GS बताया किस किस तरीके से पेपर आपका पूछेगा। मैथ्स का पेपर भी आ चुका है भाई नीतेश सर, ठीक है? तो ये नहीं देखा ये देख लेना, है ना? दोनों चैनल हमारे सब्सक्राइब कर लिए, दोनों चैनल पर आपको वीडियो मिलती है। ठीक है, मॉक आपके द एग्जाम हेल्पर पर चल रहे हैं, और जो आपका स्टडी का मटेरियल है, पेपर है, जो आपकी क्लासेस हैं कंप्यूटर्स की, मैथ्स की, हिंदी, इंग्लिश, GK की, वो आपकी द एग्जाम हेल्पर GK पर चल रही हैं। तो अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है जाके सब्सक्राइब कर लिए। इतनी सारी वीडियोज़ वगैरह आ गई है ना, सेफ स्कोर क्या रह सकता है, इतनी सारी वीडियोज़। ये वाला चैनल देखिए, ये वाला है ना जो आपको दिख रहा है ना, दी एग्जाम हेल्पर GK, ये वाला चैनल है यूट्यूब चैनल। तो जाके इसे जो है सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए और दिखाता हूँ आपको। और PDF आपको यहाँ पर मिल जाती है द एग्जाम हेल्पर GK चैनल पर। ये हमारी प्लेलिस्ट बनी हुई है, इनमें आपको वीडियोज़ मिल जाएगी। इसी तरीके से द एग्जाम हेल्पर GK चैनल पर भी बनी हुई है, तो आप जाके उसे चेकआउट कर सकते हैं। आप इस चैनल पर आएंगे, यहाँ देखिए दिखाए सेकंड चैनल फॉर GK GS, तो इसको जाके ज्वाइन कर लेना। वहाँ पर भी इसी तरीके की प्लेलिस्ट बनी हुई है, इन्हीं में आपको दोनों, इन्हीं दोनों प्लेलिस्ट में हमारी जो जितनी भी जो आपकी क्लासेस होती हैं वो आपको यहाँ पर देखने को मिलती है। कोई भी अपडेट होती है वो यहीं देखने को मिल जाती है। ठीक है, ये मेरे बारे में डिटेल है। तो ये देखिए दो चैनल है हमारे जो मैं आपको बता रहा था, यहाँ पर हमारे मॉक चल रहे हैं, और कोई भी अपडेट होती है आपको यहाँ दी जाती है द एग्जाम हेल्पर पर। सब्सक्राइब कर लेना, हमारी जो क्लासेस चलती हैं वो आपको द एग्जाम हेल्पर GK पर मिलती है, तो इसको भी जाके सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए क्लास हमारी स्टार्ट कर लेते हैं, कंप्यूटर का मॉक फर्स्ट हम कर लेते हैं। ठीक है, चलिए तो ये है कंप्यूटर का मॉक फर्स्ट, इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। चलिए तो देखिए, ये KVS का डायरेक्ट रिक्रूटमेंट था 2023 में, KVS जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट फर्स्ट मार्च शिफ्ट फर्स्ट। ठीक है, कब हुआ था? 1 मार्च को हुआ था, सुबह 10 बजे पेपर हुआ था। ठीक है, और ये सब्सक्राइब वगैरह कर लेना, PDF के लिए ये टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। तो चलिए डायरेक्ट चलते हैं कंप्यूटर पर, कंप्यूटर पर हम लिए चलते हैं आपको डायरेक्ट। चलिए तो ये देखिए आपका 81 नंबर से क्या था, कंप्यूटर का पेपर स्टार्ट था। तो 81 नंबर से हम कंप्यूटर अपना कर लेते हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों में ये आपको मिलेगा। और एक चीज़ और मैं स्टार्टिंग में ही बता देता हूँ आपको कि यहाँ पर जो आंसर गिवन है ये उस कैंडिडेट के द्वारा दिया गया जिसने ये पेपर दिया था उस समय। ठीक है, तो ये जो आपका आंसर है ये सही नहीं है, ये गलत भी हो सकता है, सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है, क्योंकि ये उस बच्चे की आंसर की है जिस बच्चे ने ये पेपर दिया था। और मैं आपको वो आंसर बताऊंगा जो कि आपका KVS की अलग से आंसर की आई थी, उसमें जो सही आंसर था वो मैं बताऊंगा। ठीक है, यहाँ बच्चे ने आंसर दिया है, KVS का आंसर कुछ अलग था, तो वो आपको मैं बताऊंगा। ठीक है, तो इसको आंसर ना मानिएगा जो मैं बताऊं, आप उसको आंसर मान के चलिएगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। दूसरा पहला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित विकल्पों में से एक कंप्यूटर प्रणाली द्वारा सबसे आसानी से समझी जाने वाली भाषा की पहचान करें। तो दोस्तों, आइडेंटिफाई द मोस्ट ईजिली अंडरस्टेबल लैंग्वेज बाय अ कंप्यूटर सिस्टम फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शन। इन ऑप्शन में से ऐसी कौन सी भाषा है जो कि हमारा कंप्यूटर समझता है? देखिए, हम तो समझते हैं हिंदी, इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग, पर कंप्यूटर कौन सी भाषा समझता है? तो मैंने आपको बार बार बताया क्लास में कि कंप्यूटर केवल 0 और 1 की भाषा समझता है। यानी कंप्यूटर कौन सी भाषा समझता है? मशीन लैंग्वेज समझता है। ठीक है, और मशीन लैंग्वेज कह लो या 0 1 की भाषा कह लो, या आप उसे बाइनरी लैंग्वेज कह लो, क्या कह लो? बाइनरी लैंग्वेज, क्या कह लो? बाइनरी लैंग्वेज कह लो। तो क्या हो जाएगा अपना आंसर? बाइनरी आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर कर देता हूँ, ये बाइनरी भाषा आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, बाइनरी लैंग्वेज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, अगला कौन सा हमारा। तो देखिए, ये भी मैंने आपको क्वेश्चन करा रखा है अपने सेशन में। यहाँ बोल रहा है कि उन यंत्रों की पहचान करें जिनके माध्यम से एक उपयोगकर्ता एक कंप्यूटर प्रणाली के साथ संचार करता है।
आइडेंटिफाई द डिवाइस दैट हेल्प अ यूजर टू कम्युनिकेट विद कंप्यूटर सिस्टम, यानी कंप्यूटर सिस्टम के साथ जुड़ने के लिए हम अगर कंप्यूटर सिस्टम के साथ जुड़ना चाह रहे हैं तो कौन से वो डिवाइस है जो हमें मदद करते हैं कंप्यूटर से जुड़ने को। तो वो डिवाइस देखिए, रोम रोम नहीं, ये तो उसके अंदर होती है। इनपुट डिवाइस ये हो सकते हैं, आउटपुट डिवाइस ये हो सकते हैं, इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस, तो ये सबसे सटीक आंसर बैठ रहा है। देखिए यहाँ उसने दोनों इनपुट से भी हम कनेक्ट करते हैं आउटपुट से भी, बट जो सबसे सटीक ऑप्शन होगा इसमें वो रहेगा इनपुट एंड आउटपुट दोनों के माध्यम से हम इसमें कनेक्ट करते हैं, क्योंकि हमारा जो पीसी होता है वो हमें देखने को मजबूर करता है और इनपुट के लिए माउस और हम कीबोर्ड का उपयोग करते हैं। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन उसने बहुत शानदार लेवल के डाले थे। देखिए क्वेश्चन नॉर्मली होते हैं, बस उनको पूछने का तरीका बदल जाता है, इसलिए लगते हैं कि वो थोड़े से डिफिकल्ट की तरफ चले जाते हैं। तो मैं फिर बोलूँगा कि आप क्वेश्चन की जो लैंग्वेज आती है उसको थोड़ा बारीकी से पढ़िएगा, एग्जाम में आप बिल्कुल आसानी से क्वेश्चन बना ले जाएंगे। थोड़ा धैर्य रख के क्वेश्चन को करिएगा, 2.5 घंटे आपको मिलने वाले हैं आपके एग्जाम के अंदर, काफ़ी सफिशियंट टाइम है, तो एक क्वेश्चन को आराम से आप समय दीजिएगा लगभग 30 से 40 सेकेंड, जिससे आप उसको गलती ना करें। अब कोई बच्चा डायरेक्ट आएगा वो यहाँ देखेगा और ये इनपुट डिवाइस से कनेक्ट कर लेते हैं, आंसर लगा के चले जाओ भाई, नीचे देख ले आउटपुट भी है, इनपुट आउटपुट भी है, तो बेस्ट जो रहेगा वो इनपुट आउटपुट दोनों रहेगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। दोस्तों अब मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा, क्योंकि हम एक्सप्लेन की हमारी जो क्लास है वो चल रही है, वो आप जाके देखिएगा, मैं अब क्वेश्चन कराऊंगा और डायरेक्ट आंसर बताऊंगा। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। कंप्यूटर शब्दावली में बड़ा हो गया, कंप्यूटर शब्दावली में MBPS का क्या अर्थ होता है? MBPS स्टैंड्स फॉर इन कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी, तो मैंने काफ़ी बार बता रखा है MBPS का मतलब होता है मेगाबिट्स पर सेकंड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा दोस्तों UPS का क्या अर्थ है। ठीक है, UPS जो होता है आपका UPS स्टैंड फॉर, तो इसका मतलब होता है अन इंटरप्टेबल पावर सप्लाई। क्या होता है? अन इंटरप्टेबल पावर सप्लाई, जो आप कंप्यूटर होता है उसको बिजली प्रदान करने के लिए जब हमारी पावर चली जाती है उसके बाद बिजली कौन प्रदान करता है? UPS करता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम देख लेते हैं दोस्तों। अगला है 85 नंबर का प्रश्न है दोस्तों कि निम्नलिखित में से क्या अन्य मौजूदा विकल्पों की तुलना में सबसे छोटी संग्रहण इकाई है ना? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट मेमोरी यूनिट कंपेयर टू अदर अवेलेबल ऑप्शन, इन ऑप्शन में से सबसे छोटी मेमोरी यूनिट कौन सी है? तो मैं कई बार बता चुका हूँ सबसे छोटी होती है आपकी बिट। क्या होती है भाई? बिट है ना। उसके बाद क्या आता है? निब्बल आता है, जो कि 4 बिट से मिलकर बनता है। ठीक है, निब्बल आता है, फिर आपका क्या आता है? फिर आपका आता है बाइट। ठीक है, फिर क्या आता है? बाइट आता है, फिर क्या आता है? KB आता है ना, फिर क्या आता है? MB आता है। ठीक है, फिर क्या आता है? MB आता है, फिर क्या आता है? MB के बाद GB आता है, फिर TB आता है, फिर PB आता है। तो देख लीजिए क्या है यहाँ पर, तो सबसे छोटा देखिए, सबसे पहले KB आएगा, फिर MB, फिर GB, फिर PB, तो सबसे पहले क्या आया? KB आया, तो KB आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं दोस्तों फटाक से। चलिए देखिए काफ़ी शानदार क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसी अन्य विकल्पों की तुलना में लैपटॉप से उच्च गुणवत्ता दृश्य श्रव्य आउटपुट प्राप्त करने के लिए वरीयता दी जाएगी। देखिए जो हिंदी मीडियम वाले छात्र हैं वो भी इन इस जो ये लैंग्वेज समझ में नहीं आया तो इंग्लिश में जाके उसका ऑप्शन आप क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट प्रेफर्ड कंपेयर टू अदर ऑप्शन फॉर हाई क्वालिटी ऑडियो वीडियो आउटपुट फ्रॉम अ लैपटॉप, तो इनमें से कौन सा ऑप्शन है जिससे आप हाई क्वालिटी में वीडियो ऑडियो सुन सकते हैं? तो वो होता है आपका HDMI, हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस, इसका फुल फॉर्म भी आपको मालूम होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट हम क्वेश्चन देख लेते हैं, 87 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। 87 का क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि निम्नलिखित में से क्या एक परिचालन प्रणाली नहीं है। ठीक है, तो निम्नलिखित में से क्या एक परिचालन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम से क्वेश्चन आता ही आता है, तो इनमें से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं? तो देखिए लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम है, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम, वर्ड क्या है? वर्ड हो गया, एक्सेल हो गया, पावर पॉइंट हो गया, ये आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। क्या है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। चलिए अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं फटाक से। ठीक है, अगला है दोस्तों 88 क्वेश्चन कि बिंग हो गया, गूगल हो गया, याहू आर द पॉपुलर एग्जाम्पल ऑफ बिंग गूगल याहू डैश के लोकप्रिय उदाहरण किसके हैं? तो सबको मालूम है ये बिंग है, ये माइक्रोसॉफ्ट का सर्च इंजन है, गूगल तो गूगल का ही सर्च इंजन है, और याहू याहू का सर्च इंजन है। तो क्या है? ये एक सर्च इंजन है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। मैं आगे आपको क्लास में सारे सर्च इंजन जितने भी होते हैं वो एक ही वीडियो में करा दूंगा, हमारी जो क्लास में हम डेली 5 एक्स्ट्रा फैक्ट करते हैं ना उसमें। ठीक है, चलिए 89 क्वेश्चन कर लेते हैं। साइबर सुरक्षा पर एक मल्टीमीडिया प्रस्तुति तैयार करने के लिए आप इनमें से किस सॉफ्टवेयर का उपयोग करने की सलाह देंगे? विच ऑफ द फॉलोइंग सॉफ्टवेयर यू रिकमेंड एट डिजाइन अ मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन ऑन साइबर सिक्योरिटी। भाई प्रेजेंटेशन की जब भी बात आएगी ना, क्या आएगा हमारा? पावर पॉइंट। कहाँ पावर पॉइंट? ये रहा, ध्यान रखना प्रेजेंटेशन की बात है, खुद नहीं घुमा फिरा के,
उसका उद्देश्य तो कुछ नहीं है। वो अभी यहाँ बोल दे कि इन्वायरमेंट पर एक पीपीटी बनानी है प्रेजेंटेशन, तो क्या करोगे पावर पॉइंट। साइबर सिक्योरिटी अकेली नहीं है, मान के चलिए कि ई एम आर एस के लिए जे एस ए की क्लास बनानी है, तो उसके लिए प्रेजेंटेशन बनानी, क्या बनाओगे भाई माइक्रोसॉफ्ट में। बोलेगा वर्ड वर्ड कॉपी बनानी है, तो कहाँ बनाएंगे हम वर्ड में। एक्सेल कॉपी बनानी है एक्सेल में, पर प्रेजेंटेशन बनानी है तो हम कहाँ बनाएंगे पावर पॉइंट में, ध्यान रखिएगा। चलिए क्वेश्चन वही है, घुमा फिर आगे पूछ लिए थे, ठीक है सिंपल क्वेश्चन है पूरे। लो अगला आ गया, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अधिकांश एमएस ऑफिस एप्लीकेशंस में चाइनीज लिखित सामग्री को कॉपी करने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है। कुछ नहीं है, उसे पूछना था कॉपी की शॉर्टकट की क्या है, इतना लंबा लिख दिया। द मोस्ट पॉपुलर कॉम्बिनेशन ऑफ शॉर्टकट कीज टू कॉपी सम सेलेक्टेड टेक्स्ट इन एमएस ऑफिस ऑफिस, भाई इतना सारा लिख दिया, पूछना उसे ये है कि कॉपी करने की शॉर्टकट की क्या है, कंट्रोल सी। तो भाई क्वेश्चन में हिडन चीज़ों को ढूंढना है, क्वेश्चन नहीं पढ़ना पूरा में, ध्यान लगेगा। चलिए अगला काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आ सकता है आपके, ठीक है। किस वर्ष में सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 में प्रमुख संशोधन किया गया। इन विच ईयर मेजर अमेंडमेंट टू इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 वॉज मेड, तो ये किए गए थे आपके 2008 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि विच टाइप ऑफ नेटवर्क मोस्टली, एक सेकेंड, विच टाइप ऑफ नेटवर्क मोस्टली यूज वी हैव इन आवर ऑफिस वेयर अ प्रिंटर इज कनेक्टेड विद टू और मोर नंबर ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, ठीक है। हमारे कार्यालय में अधिकांश किस प्रकार का नेटवर्क मौजूद होता है जिसके माध्यम से एक प्रिंटर दो या उससे अधिक कंप्यूटर प्रणाली से जुड़ा होता है। तो मैंने आपको बताया था लैन वैन और मैन। लैन होता है एक ऑफिस एरिया के, एक छोटी कॉलोनी ऑफिस हो गया उसमें कनेक्टिंग के लिए। मैन होता है एक मेट्रो सिटी के लिए। वैन होता है वाइड एरिया नेटवर्क, बड़े बड़े शहर हो गए, देश हो गए उसके लिए, ठीक है। चलिए पैन होता है वर्ल्ड वाइड, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों, यहाँ से जाके 93 क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। तो दोस्तों 93 क्वेश्चन हम कर रहे थे, 93 की विच ऑफ द फॉलोइंग इज जनरली द डिफॉल्ट एक्सटेंशन ऑफ अ माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। तो मैंने आपको बताया था कि इनके जो एक्सटेंशन होते हैं, मैंने लगभग सभी के आपको करा दी थी एक बार वैसे, ठीक है। तो दोस्तों मैंने आपको इससे पहले जो क्लासेस कराई थी उसमें सारे जितने भी एक्सटेंशन होते हैं सभी करा दिए थे आपको, ध्यान है। पीपीटी पावर पॉइंट एक पूरी आपको पूरी की पूरी शीट दे दी है, जितने भी एक्सटेंशन होते हैं, जितने भी ऑडियो के, वीडियो के, पावर पॉइंट के, एमएस वर्ड के एक्सटेंशन, गूगल क्रोम और सब, मतलब जितने भी एक्सटेंशन बन सकते हैं सारे दे दिए, शायद तीसरे चौथी क्लास में पीडीएफ में वो इंक्लूडेड है, तो उनको जाके पढ़ लेना, आपको पूरे याद हो जाएंगे। यहाँ पर बात हुई है माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट का एक्सटेंशन, तो मैंने बताया था 2010 और उसके बाद के जो एक्सटेंशन है माइक्रो पावर पॉइंट की वो है डॉट पीपीटी एक्स, और उससे पहले क्या था, एक्स नहीं था केवल, इतना था डॉट पीपीटी, ठीक है। चलिए अगला देख लेते हैं, चलिए अगला क्वेश्चन हम कर लेते हैं। अगला था दोस्तों, उस कंपनी की पहचान करें जो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर विकसित करने के लिए नहीं जानी जाती है। तो भाई आ गया देखो, अब मैंने क्या बोला था, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपको, दे देगा निम्न में से कौन सा एंटीवायरस है कौन सा नहीं है। तो उस कंपनी की पहचान करें जो एंटीवायरस नहीं बनाती है। तो देखिए मैंने आपको कितने करा दिए, 25। अवास्ट बिल्कुल एंटीवायरस है, नॉर्टन एंटीवायरस है, बिट डिफेंडर एंटीवायरस है, टैली नहीं है। देखिए टैली क्या है, तो टैली एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है। क्या है, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर। तो देखिए पूरे आगे भाई, तीनों पूछे कि नहीं पूछे जो मैंने आपको कराया तीनों, भाई मैंने जो आपको 25 एंटीवायरस अब तक करा चुका हूँ ना, ये आज तक जितने एग्जाम हुए हैं उनमें सभी में जितने क्वेश्चन एंटीवायरस से बन सकते हैं मैंने चुन चुन के लेके आया, चुन चुन के, बहुत मेहनत लगती है भाई साहब, है ना। आप लोग सपोर्ट नहीं करते हैं सब, मतलब फ्री में इतना कोई कंटेंट देता नहीं है, ठीक है। पूरे 25 के 25 एंटीवायरस आपको करा दिए, फिर भी आप सपोर्ट नहीं करते। लाइक करो, सब्सक्राइब करो, मैथ्स की क्लासेस वगैरह देखो, है ना, इतनी मेहनत आपके लिए करते हैं फिर भी आप लोग कुछ करते नहीं हैं। फिर अभी पेड कर देंगे, फिर अभी बोलोगे पैसे चार्ज कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, है ना, फ्री में आपको इतना दे रहे हैं फिर भी यार आप। चलिए अगला देखिए, वायरस स्प्रेड मोस्टली थ्रू नेटवर्क्स एंड इन्फेक्टेड। वायरस जो है अधिकांश नेटवर्क और संक्रमित डेस्क से फैलता है, तो वायरस किससे फैलता है, यहाँ भाई वो वाला वायरस नहीं है जो बीमारी वाला है, यहाँ कंप्यूटर वायरस की बात हो रही है। माउस से फैलता है, नहीं फैलता, मॉनिटर से नहीं फैलेगा, कीबोर्ड से नहीं, पेन ड्राइव से फैलता है। आप बोलते हैं कि भाई पेन ड्राइव स्कैन कर लियो पहले, वायरस ना हो उसमें, है ना, तो ये चीज़ हो जाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं, 96, ठीक है। 96 हम टोटल 20 क्वेश्चन आपके पूछे गए थे जेएसएफ, ठीक है। डिजिटल हस्ताक्षर क्या है, आ डिजिटल सिग्नेचर इज, तो डिजिटल सिग्नेचर जो होता है वो होता है आपका एन इलेक्ट्रॉनिक इनक्रिप्टेड स्टाम्प ऑफ ऑथेंटिकेशन, प्रमाणीकरण की एक इलेक्ट्रॉनिक इनक्रिप्टेड मोहर, ठीक है। एक मोहर होती है यानी कि स्टैम्प होता है, कैसा ऑथेंटिकेशन के लिए, प्रमाणीकरण के लिए कैसा रहेगा, इनक्रिप्टेड होगा, है ना, इनक्रिप्टेड मतलब छुपा हुआ होगा और इलेक्ट्रॉनिक रूप में होगा, ठीक है। तो डिजिटल सिग्नेचर काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है,
भाई डायरेक्ट लो क्या होगा क्वेश्चन, ध्यान रखना इलेक्ट्रॉनिक जो आपके होते हैं डिजिटल हस्ताक्षर से डायरेक्ट क्वेश्चन आने वाला है, आंसर हो जाएगा 14। ठीक है चलिए अगला देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है 97, ये देखिए ये भी करा रखा मैंने। उस मालवेयर की पहचान करें जिससे हम एक उपयोगी ऐप या गेम मानकर अपने स्मार्टफोन में डाल लेते हैं, यानी एक ऐसा ऐप मालवेयर है जिसे हम क्या सोचते हैं, अरे यार ये तो एक अच्छा ऐप लग रहा है, गेम लग रहा है, चलो इसको डाउनलोड कर लेता हूँ। तो आप जैसे ही उसको डाउनलोड करेंगे अदर वेबसाइट से, प्ले स्टोर के अलावा बाहर से आप डाउनलोड कर लेते हैं, तो होता क्या है लेकिन असल में वो हमारे स्मार्टफोन में नियंत्रित डाटा को चुराता नष्ट कर देगा। वो ऐप वो असली ऐप नहीं होती, वो नकली ऐप होती है, फेक ऐप होती है। ठीक है आपको बोल देगा कि इस ऐप से साइन अप करने पर 500 रुपये मिलेंगे, डाउनलोड करवा लेगा चुपके से आपके में, फिर वो डाटा चोरी करेगा धीरे धीरे, फिर वो सर्वर पर भेजेगा। तो ये जो लोग होते हैं ना जो मतलब फेक ऐप बनाकर आपके मोबाइल में घुसने की कोशिश करते हैं आपसे डाउनलोड करवा के, तो वो होते हैं आपके ट्रोजन हॉर्स। क्या होते हैं? ट्रोजन होते हैं। ठीक है क्या होता है? ट्रोजन। ध्यान रखना गेम या ऐप मानकर आप डाउनलोड कर लेते हैं, देखते हैं कि ये तो अच्छा गेम लग रहा है इसको डाउनलोड करो या अच्छी एप्लीकेशन इसको, बट वो भाई धोखाधड़ी हो जाएगी इसलिए प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर लो, तो उसको बोलते हैं ट्रोजन। ठीक है ट्रोजन। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। 98 क्वेश्चन है, अपने पासवर्ड को मजबूत करने के लिए हमें उसमें डैश का उपयोग करना चाहिए। तो भाई आजकल हम जो पासवर्ड बनाते हैं उसमें क्या होता है, टू मेक अवर पासवर्ड आ स्ट्रॉन्ग वन वी मस्ट यूज डैश इन पासवर्ड। क्या यूज करना चाहिए? तो अल्फाबेट्स भी हों, डिजिट्स भी हों और उसमें स्पेशल करें, जैसे अपन बोलते हैं ना कि द एग्जाम्पल पर @123 करके, तो @123 भी आ गया, 123 भी आ गया और नाम भी आ गया, तो इस तरीके से। ठीक है चलिए अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं दोस्तों। 99 काफ़ी इंपॉर्टेंट है ना। आइडेंटिफाई द डिवाइस यूज टू बूस्ट अप अ वीक सिग्नल इन अ कंप्यूटर नेटवर्क, काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। कंप्यूटर नेटवर्क से उस यंत्र की पहचान करें जिसके माध्यम से कंप्यूटर नेटवर्क के कमजोर सिग्नल को मजबूत किया जाता है। तो भाई अगर मान के चलो ये रस्सी है ना, ये काफ़ी लंबी है, मैं इसमें क्या करूँ, यहाँ से कोई चीज़ छोड़ू, कोई चीज़ मैं छोड़ दी मान के चलिए, यहाँ से मैंने धक्का दिया इसमें, कोई ऐसे गोल रिंग लगी धक्का दिया, कहाँ तक जाएगी? जाएगी जाएगी यहाँ पे आकर रुक जाएगी। तो यहाँ पे जाने के बाद मुझे इसे दोबारा धक्का देना पड़ेगा ताकि ये एंड तक पहुँच पाए। तो मैं क्या करूँगा यहाँ पर एक कुछ ऐसा रिपीटर टाइप का लगा दूंगा जिससे मैंने यहाँ से जब छोड़ी तो यहाँ गई, यहाँ से ऑटोमेटिक ये स्विच होगी तो फिर ये आगे चली जाएगी और अपने गंतव्य तक पहुँच जाएगी। तो मुझे आगे धकेलने के लिए कुछ लगाना पड़ेगा, तो मुझे उसको रिपीट करना पड़ेगा। यहाँ से मैंने भेजा, यहाँ पर रुक गया, फिर मैं रिपीट करूँगा इस प्रोसेस को, फिर यहाँ भेजूंगा। तो क्या लगाना पड़ेगा? एक कंप्यूटर नेटवर्क के कमजोर सिग्नल को मजबूत करने के लिए हमें उसमें रिपीटर्स लगाने पड़ते हैं। क्या लगाने पड़ते हैं? रिपीटर्स। ठीक है क्या लगाने पड़ते हैं भाई साहब? रिपीटर्स। ठीक है चलिए अगला देख लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन है 100। ठीक है काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इंपॉर्टेंट है बहुत, काफ़ी क्वेश्चन देख ला। निम्नलिखित में से क्या एक चलचित्र फाइल का मानक फाइल एक्सटेंशन, देखिए दो क्वेश्चन आ गए एक्सटेंशन से ही आपके दो क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज वन ऑफ द स्टैंडर्ड फाइल एक्सटेंशन ऑफ अ मूवी फाइल। मूवी फाइल के लिए मैंने सारे बता दिए थे आपको सारे, कौन सा होता है? JPG फोटो के लिए, AVI मूवी के लिए, ये आंसर हो जाएगा। PDF पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट PDF के लिए, MP3 म्यूजिक्स के लिए। तो ये आपके सारे हो गए हैं। ठीक है तो यहाँ पर हमारी क्लास कंप्लीट होती है दोस्तों, और वीडियो अच्छा लगा हो लाइक कर देना, बाकी जितनी भी हमारी क्लासेस वगैरह चल रही हो देख लेना, और दोनों चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ठीक है बाकी पीडीएफ वगैरह मैंने आपको बता दी कहाँ मिलती है, ठीक है यहाँ पर मिल जाएगी पीडीएफ वगैरह, और ये सारी वीडियोज़ है जाके देख लेना एक बार, है ना। और चलिए फिर रखते हैं इस वीडियो में, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।